बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और उनकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज। आज मैंने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है वो है चिकन वाइट कौरमा, जो कि जायकेदार और लजीज है। इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा जी, आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो इसमें चीज़ें यूज़ होनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होनी है इसमें। 1.5 जो है टेबलस्पून वो वाइट पेपर है, और 1 टीस्पून जो है नमक की है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये साबुत मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है 3-4, सब्ज इलायची है, और ये जो बड़ी इलायची है, और ये 4-5 जो है सब्ज मिर्ची हैं, और दो जो प्याज है वो चॉप्स किए हुए हैं, जो कि आप चॉपर में इसे चॉप कर सकते हैं। 1 किलो के लगभग जो है वो चिकन है, 1/2 कप तेल का है, 1 कप दही का है, और ये ऑलपर की जो है क्रीम है, ये 100 ग्राम डलेगी इसमें, और ये ना 8-10 बादाम है, और 8-10 ही जो है काजू हैं। इनको थोड़े से दूध में इनको ना ब्लेंड करना है, फिर मेरे साथ आप जैसे जैसे मैं रेसिपी बनाऊंगी आप उसको ना फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसमें जो कुकिंग ऑयल है वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें जो साबुत मसाले हैं वो डाल दूंगी। ये 2 सब्ज इलायची हैं बड़ी वाली, ये बादबान का फूल है, ये 4-5 जो है सब्ज इलायची हैं, ये 3-4 जो हैं दालचीनी है, और 3 अदद जो हैं वो लौंग है। ये जो प्याज 2 अदद चॉप किया हुआ था ये इसमें डाल दूंगी। और इसको ब्राउन नहीं करना, इसको वाइट वाइट ही रखना है। अब ये जो चिकन है इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना, और इसकी ना बनाई इतनी ना काफ़ी देर तक करनी है कि चिकन जो है रेड हो जाए। कि आप इसमें ना इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस सिर्फ जो है वाइट पेपर और नमक डालना है सिर्फ। नमक जो है वो अपने ना जायके के हिसाब से डालिएगा, मैंने तो 1 टीस्पून ही डाली है। दरमियानी आंच पे ही बस इसे पकाना है, बस इसे दरमियानी आंच पे रखना है कि ये ब्राउन हो जाए चिकन।
मसाला जो है जो डाला है उसमें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और ये एक कप दही है, पानी ऐड नहीं करना, ये दही ऐड कर देना बस। जी वीवर्स, इसे अब 10 मिनट के लिए ना दम पे रखना है और ढाँप देना है इसे। ये जो 4-5 सब्ज मिर्ची है ये इसमें ऐड करनी है, इससे ना जायका बड़ा अच्छा आता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ जी जी, ये जो मैंने काजू और बादाम जो है, बादाम है जो थोड़े से दूध में मैंने ब्लेंड किए थे, वो इसमें डालने लगी हूँ। जी इसको अब ढांपना नहीं है मैंने, और इसी तरह इसकी है ना अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही भूनना है। जी अब ये है ना चिकन की बनाई हो गई है, अब इसमें मैं क्रीम डालने लगी हूँ। अगर तो आपके पास ना घर की बलाई है तो वो भी आप डाल सकते हैं, इसलिए मेरे पास घर की बलाई नहीं थी इसलिए मैं बाज़ार की डालने लगी हूँ। और ये 100 ग्राम ही डालनी है बस। जी ये है मेरी वाइट चिकन की कोरमे की फाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके बताइएगा कि कैसी लगी। और कभी कभी कंजूसी ना कीजिए करेगा, मेरा इसमें ज़रा थोड़ा सा आपका आपकी ये जो अच्छा आप सब्सक्राइब करेंगे कमेंट में अच्छा मुझे बताएंगे तो फिर ही मेरा हौसला बढ़ेगा ना। शुक्रिया।